Evolutionary Perspective on Glycolysis First the contents Glycolysis energy method in anaerobic environment competitive advantage of glycolysis and common in all life So first the definition Glycolysis is the process by which glucose molecule is broken down into two pyruvate subunits Glycolysis is basically a Greek word glycos mean शूगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल देखें ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शूगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है मेनली जो शुगर्स हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है या हमारे सेल्स इसको यूज करते हैं वो दैट अ ग्लूकोज यानी अगर हमें इन सिंपल वर्ड्स में यूज करूँ हम जितना भी फूड इन करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसी ना किसी तरह जाकर आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं मोस्टली या फिर ग्लू और फिर ये ग्लूकोज आगे क्या करेगा कि ब्रेकडाउन होगी इसकी वजह से कार्ब जो है वो ग्लूकोज से आगे दो पायरुबेट मालिक्यूल्स बनेंगे ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है जबकि पायरुवेट जो है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स हैं तो लफ्स भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ग्लाइक मीन कार्बोहाइड्रेट लाइसिस मीन ब्रेकडाउन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या ज्यादा स्पेसिफिकली हम कहे तो इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द दर्स्पेक्टिव ऑफ एवोल्यूशनरी प्रस्पेक्टिव एवोल्यूशन कहते हैं ऐसी चीज को यानी कि जो बैक इन हिस्ट्री लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो चीज हो चुकी होती है तो एवोल्यूशन का के रेफरेंस से अगर हम ग्लाइकॉलिस को देखते हैं कि जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर ग्लाइकॉलिस का प्रोसेस मौजूद था क्योंकि ग्लाइकॉलिस इज द मोस्ट प्रमेटिव मैथड जो जिसके थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं कि एनर्जी हार्वेस्ट हर, करते हैं फ्राम देअर फूड फ्राम देअर न्यूट्रिय एनर्जी को हार्वेस्ट करने के देर अदर मैथड्स जो बाकी मैथड्स हैं दे आर देट उसको अगर हम देखें दैट इज एरोबिक दे दे रेस्परेशन है अच्छा ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजनवायर्ड नहीं होती है ये एन एरोबिक इन्वायरमेंट के अंदर कंटिन्यू हो सकता है इसीलिए अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो शुरू का एन्वायरमेंट था उसमें किसी तरह की ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्परेशन तो हो ही नहीं सकती थी तो अल्टीमेटली जो अवेलेबल मेथड था एनर्जी ऑफ फसल करने का या एनर्जी हार्वेस्ट करने का एनिमल्स के पास या सिंपल ऑर्गेनिज्म के पास दैट वाज द ग्लाइकॉलिस तो इस तरह से पहला इसका पॉइंट ऑफ व्यू एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि तो ग्लाइकोलिसिस सबसे प्रमेटिव मेथड है एनर्जी को हार्वेस्ट करने एनर्जी हार्वेस्ट का मतलब है कि जो फूड हम लेते हैं उससे रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करवाने है. तो एटीपी हासिल करने का या एनर्जी हासिल करने का जो सबसे पुराना मेथड है न्यूट्रिय से दैट इज द ग्लाइकॉलिस है उसकी एक वजह है पुराने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अवेलेबल ना होना जब ऑक्सीजन नहीं तो फिर आ जाके एक ही मैथड एनिमल्स के पास था दैट वाज द ग्लाइकॉलिस कंपिटिटिव एडवांटेज क्या अगर हम देखें जो एनिमल्स हैं उनमें जब शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स जब आहिस्ता आहिस्ता इवाल्व होने शुरू हुए शुरू के इन्वायरमेंट में लाइफ जब जमीन के ऊपर अर्थ के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया लाइफ ने तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो थे या कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो थे वो सर्वाइव कर रहे थे तो इस इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ वही एनिमल्स ज़्यादा बेनिफिशियल रहे जिनके पास ग्लाइकोलिस का साइकिल मौजूद था यानी जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ग्लाइकोलिस का, का जो प्रोसेस मौजूद था दे वर सक्सेसफुल इन दैट इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते और एनर्जी जो है वो सेंथिसाइज उसे हारवेस्ट कर लेते थे जबकि जिनके पास एनर्जी हारवेस्ट करने का मैथड नहीं था उनके लिए फिर सर्वाइव करना जो इन्वायरमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं था तो इस तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है ग्लाइकोलिसिस का जो पास्ट लाइफ में एनिमल्स को रहा है वो ये है कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास ग्लाइकोलिस थी वो ज्यादा सक्सेसफुल ज्यादा एफिशिएंट थे उन ऑर्गेनिजम्स के नस्बत जिनके पास ग्लाइकोलिसिस का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो जिनके पास ग्लाइकोलिसिस नहीं थी वो वह ऐसा खुद ही जो है वो जो है एक्सटिंक्ट हो गए या ख़त्म हो गए जी अब कहते हैं कि बाद में अगर हम देखें शुरू में ग्लाइकोलिस के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जमीन के ऊपर या अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होना शुरू हुई ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी हार्वेस्ट करने का एक नया मेथड जो है वो इवाल्व हुआ दैट वाज एरोबिक रेस्पिरेशन यानी जब ऑक्सीजन नहीं थी उसको ग्लाइकॉलिस जब ऑक्सीजन अर्थ के ऊपर आहिस्ता आस्ता ओजोन लेयर बन गई जमीन के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी फ्री ऑक्सीजन तो फिर ग्लाइकॉलिस के साथ साथ एरोबिक रेस्परेशन का मेथड जो है यही वालू हुआ ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्परेशन ग्लाइकोलिस के नीसो ज़्यादा एफिशिएंट है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है लेकिन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम ने ग्लाइकॉलिस को एक एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस के तौर पर मेनटेन रखा है यानी पहले ग्लाइकोलिसिस होती है उसके बाद आगे एरोबिक रेस्परेशन होगी तो इस तरह से यानी अगर हम देखें तो ये जो स्टेपिंग स्टोन स्टेपिंग यानी कि एनर्जी हार्वेस्ट करने का जो पहला मेथड है Glycosis, वो तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है उसके साथ साथ एनिमल्स ने अपने अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का मेथड जो है वो डेवलप कर लिया है ग्लाइकॉलिस को अभी मैंने जैसे कहा कि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकॉलिस का मेथड जो है वो एग्जिस्ट करता है यानी इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे बैक्टीरिया है प्लांट है फंजाई है एनिमल्स है एनिमल्स में भी ह्यूमन है या कोई सिंपल एनिमल है ऑल द एनिमल्स दे हैव ग्लाइकॉलिस प्रोसेस जैसा ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स और इससे जो ग्लाइकोलिस तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर होने से जो एक एवोल्यूशनरी कन्सेप्ट है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे हैव एवोल्यूशनरी वननेस यानी वो कहीं एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रही हैं इस कंसेप्ट को तकवीयत तो मिलती है